तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुआ पर हाथ उठाने की? मिश्रा जी, हमारी माँ सही कहती थी, माँ का दूध और बाप का खून एक ना एक दिन जरूर रंग दिखाता है, और आज आपने सबके सामने आपका रंग दिखा दिया। ललिता जी, जिन लोगों के लिए हमने दुनिया ठुकरा दी, आज उन्होंने दुनिया के सामने हमें ठुकरा दिया। और जब कोई दुनिया में हमारा है ही नहीं, तो हमें भी इस दुनिया में नहीं रहना। मिश्र जी, गाड़ी यही रुका, हम लोग यहीं कुछ देखते हैं। विशेष जी, आप उस ओर देखिए, भुवन काका आप चलिए, हम उधर देखते हैं। एक मिनट, गाड़ी रोकना। मतलब ये कि वो यहीं कहीं आसपास है। तुम वहां देखो, हम यहां देखते हैं। तुम्हारा बेटा पूरी तरह से हार चुका है, कुछ नहीं बचा जिसकी वजह से हम और भी सांसें लें। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर दीजिएगा। आपका दिमाग खराब हो गया? ये क्या करने जा रहे थे आप? अभी तो हम आपसे कह के आए थे ना कि हमारी माँ अकेली हो जाएंगी, और आप हमेशा के लिए उन्हें अकेले छोड़ के जा रहे हैं। दीदी, आप किससे उम्मीद कर रही हैं? इनको ना कभी हमारी फिक्र थी, ना कभी होगी।
अच्छा चलिए, आपको हमारी और हमारी माँ की फिक्र तो नहीं है ना, लेकिन एक बार भी क्या आपने दादी के बारे में सोचा? आपको अगर कुछ हो जाता तो वो कैसे जीती? चलो बुलबुल, चलिए। मॉम प्लीज हमारी बात सुनो। यही खड़े हो ना, यही रुक जाना, घर के अंदर मत आना। लेकिन मॉम हमारी क्या, लेकिन ये मत भूलो, मिस्टर जी तुम्हारे बाप है और हमारे पति है। गुस्से में मैंने उनको क्या बोल दिया कि मैं तुम दोनों का साथ दूंगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा साथ दूंगी। हमारे शोना बाबू को पाने के लिए मैं रंजू से भी लड़ सकती हूँ, तुम दोनों के खिलाफ भी जा सकती, इतना याद रखना। हमें किसी भी हालत में सोना बाबू हमारे घर में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं पे भी जाओ ढूंढो, हमारे सोना बाबू को अपने साथ वापस लेकर आओ, वरना तुम दोनों घर के अंदर मत आना। समझ में आया? मॉम यार, डैड को वापस कैसे लाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहां पर हैं। वही होंगे जाम छोड़कर आए। नहीं, अभी तक वो उस जगह पर थोड़ी होंगे। एक सेकंड, एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? राजवीर। एग्जैक्टली, मैं अभी राजवीर को फोन लगाता हूं। हेलो राजवीर, हमारे डैड हमसे नाराज होके ना कहीं चले गए, उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है, कुछ अता पता भी नहीं है, तो कुछ भी करके उनको पता। कैसे बेटे हो तुम लोग यार, तुम लोग तो अपने बाप से प्यार करते हो ना, क्या वो जान देने जा रहे हैं और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं है? What? Dad, जान देने जा रहे थे? हाँ, अभी बुलबुल और शालू ने लेकर गए, उन्हीं दोनों ने बचाया है तुम्हारे डैड को। कहाँ होगा गुडुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्या करें? अम्मा जी, बुलबुल गई है ना मिश्रा जी को ढूंढने, जैसे वो मिलते हैं वो फोन कर देगी हमको, आप कहीं परेशान होती हैं? अरे परेशान कहे नहीं होए, अरे बुलबुल का फोन लगाओ, पूछो से। लगाते हैं। आइए मिश्रा जी। मॉम, मॉम, मॉम जल्दी आइए। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? Mom, अभी तक गए नहीं। मॉम वो डैड। क्या डैड? डैड ने सुसाइड करने की कोशिश की। नहीं हुआ है, वो ठीक है, लेकिन 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 क्या?
दोनों डैड को अपने साथ लेके चली गई। इसका मतलब डैड रंजू के घर पे। भैया जी हमसे मिलने आए और ये सब हो गया। ना हमसे मिलने आए होते ना ये सब होता। ये सब हमारा ही दोष है। अम्मा जी हमको माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है भवन। ये सब उन नागिन और उसके सपोलों के कारण हुआ है। इतनी जरा सी बात पर मरने चल दिए थे। एक बार भी तुम्हें अपनी इस बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया। पिछले 15 साल से तो तुम हमसे दूर ही थे। अब और कितना दूर जाना चाहते थे? एक बात याद रखना गुड्डू मिश्रा, तुमने दोबारा ऐसा करने का सोचा तो तुमसे पहले हम दुनिया छोड़ देंगे। बेटा सुबह का भूला अगर कुछ दिन बाद घर वापस आ जाए तो भी वो घर का ही होता है। और तू अपने घर वापस आया है। बेटा एक बात याद रखना, औलाद चाहे जितनी बड़ी हो जाए पर जरूरत पड़ने पर माँ के आंचल में समा सकती है। ये तेरी माँ का घर है, तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। अब हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तू हमारे साथ रहेगा, यहीं पर रहेगा। मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे अम्मा जी। मिश्रा जी को लेने आए अम्मा जी, आप उन्हें रोकिए मत, जाने दीजिए। चलिए सुनम जी। पिछली बार आई थी ना तुम अपनी नाक रगड़ते हुए, क्या कहा था कि हमरा सब कुछ ले लो पर हमको माफ कर दो। इसलिए हमरे बेटे को लेकर गई थी कि हमरा बेटा जान देने पे मजबूर हो जाए। अम्मा जी शांति देवी नाम है हमरा, अम्मा जी कहने को जरूरत नहीं है। और एक बात हमरी कान खोल कर सुन लो, अब हमरा बेटा तुम लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा। इसके लिए चाहे तुम हमारी चौकट पे सर पटक पटक कर मर जाओ, लेकिन हम अपने गुटवा को नहीं जाने देंगे। सुना बाबू, हम दोनों के बीच में झगड़ा क्या हुआ? ये लोग तो दीवार खड़ी करने के लिए तैयार हो गए। ये सब इन लोगों की चाल है और इस चाल की मास्टरमाइंड ये रंजू है। पहले बेटी की शादी में बुलाया और आपसे कन्यादान का हक छीनकर आपका अपमान किया, और दूसरी तरफ शालू को खड़ा कर दिया आपके बिजनेस पर डाका डालने के लिए। आपको दिखाई नहीं देता? लेकिन ये नहीं जानती है कि
कि साजिश कितनी भी गहरी हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा हमरा गुडवा जाना नहीं चाहता? दिखाई तो आपको देना बंद हो गया अम्मा जी। फिलहाल हम आपके आंख से पर्दा हटाने के मूड में नहीं है। हम सिर्फ हमारे शोना बाबू को लेने आए हैं और लेकर जाएंगे। हटिए। अम्मा जी। अम्मा। हम आपको इन सब का खिलौना नहीं बनने देंगे। चलिए शोना बाबू, रंजू के हाथ का खिलौना इसलिए नहीं बनने देना चाहती हो ना, क्योंकि तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना है। वो ऐसा नहीं होगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा हमरा गुडवा जाना नहीं चाहता? दिखाई तो आपको देना बंद हो गया अम्मा जी। फिलहाल हम आपके आंख से पर्दा हटाने के मूड में नहीं है। हम सिर्फ हमारे शोना बाबू को लेने आए हैं और लेकर जाएंगे। हटिए। अम्मा। जी, कहां ले जाने के लिए इतना बेचैन हो रही है आप? ललिता निवास, वहां जाके क्या करेंगे हम? टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे और अपने खून पसीने से बनाई हुई बिजनेस को बर्बाद होते हुए देखेंगे। ललिता जी, आपकी ये दो बेटे जो हमें इस बिजनेस के अनाड़ी समझते हैं, इसी बिजनेस के बेताज बादशाह रह चुके हैं। जबकि ये दो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जिस्म का छन्नी छन्नी हो रहा है। इस तरह रोज रोज तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है एक ही बार मर जाए। इसलिए हम जिन लोगों ने हमें बचा लिया, आज तक हमने इनके लिए क्या भी किया है? कुछ नहीं। अरे हम पूछते हैं काहे बचाए हमें, का क्या हमने? सिर्फ इसलिए बचा रहे हो क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सिखाया है कि इंसान की जान की कदर होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जिसकी जान बचा रहे हो, कम से कम ये तो जान लो उसमें इंसानियत है कि भी नहीं। मिश्रा जी, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आप हमारे साथ चल रहे हैं, हाँ या ना? और अगर आपका जवाब ना है तो आपकी कसम मिश्रा जी, इस रंजू और उसकी बेटियों का जीना नहीं हराम कर दिया ना, तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा नहीं। सोना बाबू, इन लोगों ने आपकी जान इसलिए बचाई ताकि आगे जाकर वो आप पर अपना हक जता सके। इनकी नेकी में भी नमक मिला हुआ है।
इस बार बहुत घटिया खेल खेला इन लोगों ने, लेकिन मैं आपको इन लोगों का खिलौना नहीं बनने दूंगी। आप चलिए मेरे साथ। अरे ललिता जी, क्या आपने इनके साथ खेल नहीं खेला? मिश्रा जी मत भूलिए, आपने हमसे वादा किया है कि आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। अरे ललिता जी, आपने भी तो हमसे वादा किया था कि हमारे अलावा आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखेगा। क्या आपने अपना वादा पूरा किया? अरे अगर हम कुछ नहीं बोलते, इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं जानते हैं कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है और हमारे आंखों के सामने क्या दिखाई जा रहा है। सब समझते हैं हम। मिश्रा जी, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आप हमारे साथ चल रहे हैं, हाँ या ना? और अगर आपका जवाब ना है तो आपकी कसम मिश्रा जी, इस रंजू और उसकी बेटियों का जीना नहीं हराम कर दिया ना, तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा ने। मजबूत इरादों वाला इंसान आज इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि उसे मरना जीने से भी ज्यादा आसान लगने लग गया? इसकी जिम्मेवार आप हैं। बस रंजू मिश्रा, पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हो गया है, आजकल वो हमें गलत और रंजू उसकी बेटियां को सही समझने लगे हैं। इस तरह का मजबूत इरादों वाला इंसान आज इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि उसे मरना जीने से भी ज्यादा आसान लगने लग गया? इसकी जिम्मेवार आप हैं। बस रंजू मिश्रा, पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हो गया है, आजकल वो हमें गलत और रंजू उसकी बेटियां को सही समझने लगे हैं।